आज हम बात करेंगे कि हमारी जो पिटूनिया है उसमें हम ज्यादा फ्लावरिंग कैसे ले पाए, और एक बार अगर हमारे गुड़हल पे फ्लावरिंग आ जाती है तो दोबारा फ्लावरिंग लेने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करें जिससे उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो, बड़े फ्लावर आए और ज्यादा क्वांटिटी में आए। तो इसके लिए मैं कुछ बातें आपके साथ में शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो आपने ध्यान से देखिएगा वीडियो को और पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके और आप भी अपने गार्डन में इस तरीके से फ्लावर ले पाए। फ्रेंड्स ये देखिये, ये मेरा व्हाइट पिटूनिया है और आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे कि इसमें कितनी फ्लावरिंग है। ये मैंने घर पर ही ग्रो किया था फ्रेंड्स सीड से और काफी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है इसमें। तो फ्रेंड्स ये जो पिटूनिया है ये मैं मार्केट से लेकर आई थी नर्सरी से, और देखिए फ्रेंड्स इसकी मैंने पिंचिंग कर दी थी और इसमें मैंने खाद भी अच्छी दी थी, तो इससे काफी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स एक पिटूनिया का प्लांट ये भी है स्टार वाला, तो ये भी काफी अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है। इसमें छोटी छोटी सी बर्ड्स भी आ रही है फ्रेंड्स देखिए, और काफी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होने वाली है, कुछ होने के लिए स्टार्ट है ये देखिए फ्रेंड्स। तो इसके बाद में बात करें फ्रेंड्स केलांचो की, तो केलांचो पे भी काफी अच्छी फ्लावरिंग आ रही है, जो खाद मैंने उन्हें दी थी तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये केलांचो का एक प्लांट है मेरे पास में, और इसके फूलों का साइज काफी बड़ा हो गया है फ्रेंड्स जब मैंने इसे खाद दिया था, तो उसके बाद में इसका फूलों का जो साइज था वो काफी बड़ा निकल कर आया है। इसके अलावा फ्रेंड्स इस केलांचो के प्लांट की बात करें तो फ्रेंड्स इस पे काफी बड़ी बड़ी सी कलियां आ रही है और काफी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये एक बार तो फ्लावरिंग दे चुका था फ्रेंड्स, उसके बाद में फिर मैंने इसे दोबारा से खाद दी और काफी अच्छी मात्रा में खाद दी है फ्रेंड्स। तो इसके बाद में इसकी फ्लावरिंग आप देख सकते हो कि इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है और इसमें भी होने वाली है फ्रेंड्स। तो ये मेरी कटिंग से ग्रो किया था और देख सकते हैं आप कि इसमें कितनी ज्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग होने वाली है, इसमें भी है। और जो मेरा देसी केलांचो था फ्रेंड्स देखिए इसमें भी काफी ज्यादा अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारी जो खाद है उसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने इसे तीन स्टेप में खाद दी थी और तीनों ही स्टेप में अलग अलग तरीके की खादें दी थी मैंने, और ये जो खाद मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स तो उसमें आपको आप पिटूनिया पर दे सकते हैं, केलांचो पे दे सकते हैं, और आप इसको आपने जो गुलाब है उस पर भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि आप अगर गुड़हल पे भी दे सकते हैं इसको, तो आप जब गुलाब एक बार आपकी फ्लावरिंग देता है तो उसको आपको पिंचिंग करनी पड़ती है, तो आप केलांचो पे भी पिंचिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए जैसे इस तरीके से इसकी फ्लावरिंग खत्म हो गई है तो आप इसको यहाँ से पिंचिंग कर दीजिए। तो ये जो आप पिंचिंग करेंगे फ्रेंड्स ये एक नोडी एरिया होता है कि ये यहाँ पर से नई नई फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ से एक नई ब्रांच निकलेगी इस पत्ती के पास से फ्रेंड्स, और फिर नए नए फ्लावर आएंगे, तो इसलिए आपको पिंचिंग करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि फ्रेंड्स ये फ्लावर हैं और ये फ्लावर जब मुरझा जाएंगे सूख जाएंगे तो उसके बाद में आपको फिर यहाँ से इसकी पिंचिंग करनी होगी। अभी तो इसमें फ्लावर है फ्रेंड्स लेकिन आपको यहाँ से पिंचिंग करनी होगी ताकि यहाँ से नई नई ब्रांचेस निकल सके और उसमें फिर फ्लावर लगेंगे। तो आपको सिर्फ खाद ही देना नहीं होता है फ्रेंड्स, उसमें पिंचिंग करना भी होता है। तो ऐसे ही गुलाब में भी हम जो प्रूनिंग करते हैं वो होता है, तो अभी मैं गुलाब की प्रूनिंग कर रही हूँ तो आपको मैं दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके से करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा एक गुलाब का प्लांट है और इसमें काफी ज्यादा फ्लावरिंग हुई थी, मैंने टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर भी किया था, लेकिन कुछ अब फ्लावर फ्रेंड्स सूख गए हैं। ये कली तो खिली नहीं पाई क्योंकि मैंने काफी इसको प्रॉपर पानी नहीं दिया, तो इस वजह से ये सूख गई है। तो अब आपको जो प्रूनिंग करनी होती है फ्रेंड्स वो यहां से करनी होती है कि इतना आपको एरिया है जो ब्रांचेस है वो छोड़नी है और यहां से आपको इसको कट कर देना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि यहां पर से नई नई सी ब्रांचेस निकलेगी और फिर उसमें कलियां बनेगी और फिर आपको फ्लावर मिलेगा। तो इस तरीके से आपको इसकी प्रूनिंग करनी है, काफी ज्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, हार्ड प्रूनिंग हम बारिश के पहले करते हैं फ्रेंड्स। और इसमें फ्लावर आ रहे हैं तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे फ्रेंड्स, जो सूख गए थे उन्हें निकाल दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक ब्रांच है तो मैं उसे भी काट दूंगी ताकि अच्छे से इसमें नई नई शूट निकले। मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी फ्रेंड्स, ये भी एक गुलाब का पौधा है मेरा, और देखिए फिर इसमें नई नई सी शूट निकल के आ रही है, देखिए ये आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स ये वाली, और यहाँ पर भी बहुत सारी शूट निकल रही है। तो अब हम खाद बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये बोन मील है आप देख पा रहे हैं और ये है हॉर्न मील, तो आप इन दोनों को ले लीजिए फ्रेंड्स 50-50, और उसके बाद में आपने जितना ही बोन मील और हॉर्न मील लिया है उतना ही आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। तो इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए फ्रेंड्स, और मिक्स करने के बाद में फिर आप अपने जो प्लांट है उसको कैसे देना है वो भी मैं बता देती हूँ। और आप चाहें फ्रेंड्स तो जितना आपने इसमें वर्मी कंपोस्ट लिया है उतनी ही नीम की खली भी ले सकते हैं, तो मैं इसमें नीम की खली भी डाल लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी हम मिला लेते हैं नीम की खली अच्छे से, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप फिर किस तरीके से देंगे वो भी देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमारे प्लांट को दे देते हैं। तो फ्रेंड्स ये गुलाब का पौधा है और इसकी मैं अच्छे से गुड़ाई कर लूंगी, तो आप चाहे तो पूरी गुड़ाई कर सकते हैं या फिर एक तरफ भी दे सकते हैं। तो अगर आपके पास में इतना 15 इंच का गमला हो फ्रेंड्स तो आप इसे 3 से 4 चम्मच के करीब दे दीजिए, तो 3 से 4 चम्मच मतलब एक मुट्ठी के करीब। तो आप इसको इस तरीके से डालेंगे फ्रेंड्स कि एक तरफ अंदर अच्छे से ये चली जाए, और फिर उसके बाद में उसको मिट्टी से ढक देंगे, और ढकने के बाद में आप तुरंत इसमें पानी दे देंगे। तो पानी देना जरूरी होता है फ्रेंड्स ताकि हमारी जो
प्लांट है उसकी जो रूट्स है वो खराब ना हो। तो इस तरीके से आपको ये पहली स्टेप तो हो गई फ्रेंड्स। दूसरी स्टेप है आपको जो सरसों की खली होती है फ्रेंड्स उसकी, तो सरसों की खली को फ्रेंड्स आप 100 ग्राम ले लीजिए और उसको 3 दिन तक अच्छे से पानी में भिगा रहने दीजिए फ्रेंड्स। और उसके बाद में जो लिक्विड बनेगा उसको आपको इसमें देना है, तो वो भी मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स आपको। तो देखिए फ्रेंड्स ये सरसों की खली का पानी है और मैंने इसे बनाकर रख लिया था। तो अब फ्रेंड्स इसे भी हम काफी पतला कर लेंगे, तो इसमें काफी क्वांटिटी में आपको पानी मिलाना है, ज्यादा आपको इसको गाढ़ा नहीं करना है, सिर्फ पतला पतला सा पीला पीला सा पानी बनाना है इस टाइप का। और आपको इसको 15 दिन में एक बार अपने जो प्लांट है उसको देना है। तो जो मैंने खाद अभी बताई फ्रेंड्स वो भी आप 15 दिन के अंतराल पर डालेंगे, जब उसको 15 दिन हो जाएंगे तो फिर आप ये इसे डालेंगे। तो आपको इस तरीके से डालना है फ्रेंड्स। तो ये मेरा गुलाब का एक पौधा है फ्रेंड्स जिसकी मैं केयर नहीं कर पाई और काफी ज्यादा ये सूख गया है। देखिए फ्रेंड्स इसकी सारी पत्तियां गिर गई है, तो अब मैं इसे खाद वगैरह अच्छे से दूंगी। तो फ्रेंड्स इसकी मिट्टी काफी सूखी हुई है, तो इस तरीके से मुझे देना है। और इसकी जो सरसों की खली का जो हम लिक्विड बनाते हैं फ्रेंड्स वो पौधों के ऊपर से ना दें, आप नीचे से ही दें ताकि पत्तियों पे नहीं जाए। इस तरीके से आपको पानी दे देना है फ्रेंड्स और इसको 15 दिन में एक बार देना है ताकि ये जो अच्छे से हमारा ये पानी इसको यूज करने में आए, क्योंकि काफी टाइम बाद असर दिखाता है प्लांट के ऊपर। तो फ्रेंड्स जो मैंने खाद बताई वो काफी स्लो रिलीज है, जो फर्स्ट खाद थी वो काफी स्लो रिलीज थी फ्रेंड्स, और ये सरसों की खली का लिक्विड काफी जल्दी असर करेगा। इसके बाद में जब इसे 15 दिन हो जाएंगे सरसों की खली को तब आपको क्या देना है वो भी मैं बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये आप जो देख पा रहे हैं व्हाइट कलर का ये है 0050 का एनपीके, और इस तरफ है फ्रेंड्स जो हम यूज करते हैं एप्सम सॉल्ट। तो ये दोनों को ही यूज करना है फ्रेंड्स। हम हमारे गार्डन में जो ऑर्गेनिक खाद यूज करते हैं उसके साथ में थोड़ी सी हमें जो फर्टिलाइजर होती है केमिकल वाली वो भी यूज करना चाहिए, उसका परिणाम काफी अच्छा देखने को मिलता है। हमारे पौधों को जो बूस्ट एनर्जी मिलती है उस इसी से मिलती है फ्रेंड्स। और हम जो फर्टिलाइजर देते रहते हैं हमारे घर की ऑर्गेनिक, उसमें थोड़ा स्लो असर दिखता है फ्रेंड्स लेकिन इसमें फास्ट दिखता है। तो ऑर्गेनिक के साथ साथ थोड़ा सा फर्टिलाइजर हमें केमिकल वाला भी देना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरा गेंदे का जो प्लांट है उसके ऊपर अभी कलियां आने वाली है, और अगर आपके भी किसी भी प्लांट पे पिटूनिया पे गेंदे पे या गुलाब पर कलियां लाना चाहते हैं आप तो इसका यूज कर लीजिए फ्रेंड्स। तो इसको इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए फ्रेंड्स, और थोड़ा सा आप इसको यूज करेंगे फ्रेंड्स 15 दिन में अगर एक बार आप इसको थोड़ा सा डाल देंगे तो काफी अच्छा होगा फ्रेंड्स। और गमले के पॉट के हिसाब से डालिए फ्रेंड्स, इस तरीके से थोड़ा सा डाल दीजिए और इसकी मिट्टी की इस तरीके से गुड़ाई कर दीजिए और फिर आप इसमें पानी डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप पानी डाल दीजिए फ्रेंड्स। अब थोड़े दिनों बाद फ्रेंड्स क्या होगा कि इसको काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी मिलेगी, इसकी कलियां काफी बड़ी आएगी और फ्लावर भी काफी बड़े बड़े और अच्छे कलर में आएंगे। तो इस तरीके से आप तीन जो खाद है उसको यूज करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके गार्डन में हमेशा जो प्लांट है उसके ऊपर फ्लावर बने रहेंगे और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स।